हमने शार्क के ऊपर ना जाने कितने ही मूवीज देखी होगी जिसमें हमने ये देखा है कि शार्क कितना खूंखार होता है, इसलिए हम सभी ये मानते हैं कि शार्क बहुत डेंजरस होते हैं। लेकिन यही अगर हम बात करें 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग की, तो उस समय कोई नहीं मान सकता था कि शार्क इंसानों को कभी नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तब तक लोगों का यह मानना था कि शार्क में इतनी क्षमता होती ही नहीं है कि वह किसी इंसान को मार सकते हैं, और अगर किसी शार्क ने कभी हमला किया भी तो केवल कुछ खरोंचे ही आएंगी जो एक या दो दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन 12 दिन, सिर्फ 12 दिनों में घटे कुछ इवेंट्स ने लोगों का शार्क के प्रति रवैया पूरी तरह से बदल कर रख दिया। आखिर इन दिनों में ऐसा क्या हुआ कि लोग इतने बदल गए कि जहां एक तरफ लोग शार्क को मासूम सी मछली मानते थे और आज इसे इंसानों के खून का प्यासा मानते हैं। दरअसल इसकी वजह थी एक मैन ईटिंग शार्क। इस शार्क ने अकेले ही कई लोगों को मारा था और इसका डर इस कदर लोगों के मन में बैठा कि कई लोगों ने तो पानी में जाना ही छोड़ दिया। इस शार्क को लोगों ने नाम दिया द जर्सी मैन ईटर। आखिर कौन था यह शार्क और क्यों यह बन गया द मैन ईटर ऑफ जर्सी, जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स वाइलेंस द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक अर्निंग ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने 1550 रुपये की अर्निंग की है और उसे सक्सेसफुली विथड्रॉ भी कर लिया है, पर आप जानना चाहेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ है, मैं वही बताऊँगा इस वीडियो में। मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस लिंक के थ्रू आपको साइनअप करना है, और साइनअप करने के बाद आपको इसमें पैसे इन्वेस्ट करने हैं, और इन्वेस्ट करने के लिए जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और इन्वेस्ट करने के लिए आपको क्लिक करना इंडीपे पे, और यहाँ पे 1000-3000 जैसा चाहे आप उतना रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप पहले 1000 रुपये सेलेक्ट कीजिए, और सेलेक्ट करते ही आप यहाँ पर पॉपअप खुल जाएगा जिससे आप गूगल पे, फ़ोनपे, UPI से पहुँच जाएंगे, और वहाँ पर जाकर आप 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली हमने 1000 रुपये का रिचार्ज कर लिया है। अब हम वापस होम पेज पर जाएंगे और जो पैसे हमने रिचार्ज किए हैं उसे इन्वेस्ट करेंगे, और इन्वेस्ट करने के लिए हम इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे, और 1000 रुपये इन्वेस्ट करते ही हमें अगले दिन 1028 रुपये मिलेंगे, जो कि हमें प्रॉफिट हुई है 28 रुपया। और आप इस तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं, और देखिए मैंने इन्वेस्ट कर दिया है 1000 रुपये का, आप भी कर सकते हैं इसी तरह से, प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। मैंने 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर दिया है, नेक्स्ट डे मुझे 1028 रुपये दिखेंगे। जैसे ही वॉलेट में पैसे आ जाएंगे उसे सिंपली आप विदड्रॉ कर सकते हैं। वॉलेट में पैसे अपडेट होते ही विदड्रॉ नाउ पे क्लिक करना है, जहाँ से आपको अपने बैंक अकाउंट ऐड करने हैं, और बैंक डिटेल्स अपडेट करने के बाद ही आपके पेमेंट आपके बैंक में पहुँच जाएगी 2-3 घंटे के अंदर। ये देखिए मैंने भी अपना विदड्रॉ किया है, देख सकते हैं आप, मैंने 1550 रुपये विदड्रॉ किया है, आप भी कर सकते हैं, प्रोसेस बहुत सिंपल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी जाइए और लिंक से रजिस्टर। हॉलीवुड मूवी में हमने कई बार इंसानों को शार्क का निवाला बनते देखा है। शार्क के नाम मात्र से ही कई लोगों के अंदर भयानक डर आ जाता है, पर इन सब की शुरुआत साल 1916 न्यू जर्सी में हुई, जब जर्सी मैनेटर शार्क ने अपना आतंक मचा रखा था। टेरर की शुरुआत होती है 28 साल के चार्ल्स वेसेंट से। एक शाम चार्ल्स स्विमिंग करने के लिए बीच हेवन में गए थे। उसने तैरना शुरू किया, पर कुछ देर में उसे ऐसा लगा कि पानी के नीचे कोई है, और कुछ ही देर में पानी के नीचे से किसी ने उसके पैरों को पकड़ लिया है और उसे नीचे खींचने लगा है। वह एक शार्क था। बचने के लिए उसने अपना हाथ हिलाकर लोगों को बुलाना भी चाहा, लेकिन उस समय किसी ने ऐसा सुना ही नहीं था कि शार्क हमला करते हैं, इसीलिए लोगों ने सोचा वो बस स्विमिंग एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन पानी के नीचे तो कुछ और ही कहानी चल रही थी। शार्क ने उसे काटना चालू किया, जिसके बाद उस जगह पर पानी पूरा लाल नजर आने लगा, और लोगों को समझ में आया कि उसे हेल्प चाहिए थी। तुरंत लोकल गाइड्स पानी में ये देखने के लिए गए कि आखिर वहां हुआ क्या था, और कुछ देर बाद गार्ड्स उसे बाहर लेकर आए। उसे बहुत गहरी चोटें आई थी और उसका काफी खून बह गया था। इसके बाद लोगों ने हॉस्पिटल के बदले पता नहीं क्यों उसे होटल में ले गए, और खून ज्यादा बहने की वजह से उसकी जान चली गई। चार्ल्स हिस्ट्री के सबसे पहले रिकॉर्डेड इंसान थे जिसे शार्क ने मारा था,
पर इसके बाद भी उस समय कई साइंटिस्ट मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि शार्क के हमले से किसी की मौत भी हो सकती है। कुछ ने तो ये कहा कि उसकी जान कुछ गुस्सैल समुद्री टर्टल्स ने ली होगी, और न्यू जर्सी में कोई भी बीच बंद नहीं हुआ और लोगों ने बीच पे जाना चालू रखा। लेकिन इसके 5 दिनों के बाद ही शार्क फिर से आया। इस बार भी चार्ल्स नाम का ही एक आदमी शार्क का शिकार बना। चार्ल्स ब्रूडर 27 साल का एक आदमी था जो एक होटल में काम करता था। एक दिन स्विमिंग के दौरान चार्ल्स बीच से 128 मीटर दूर चला गया और तभी शार्क ने नीचे से अचानक ही उस पर हमला कर दिया। ये हमला इतना पावरफुल था कि चार्ल्स के दोनों टुकड़े हो गए थे। खून इतना बहा था कि पानी पूरा लाल हो गया था और बीच पे आने तक चार्ल्स की मौत हो गई। जो साइंटिस्ट पहले अटैक के बाद यह मानने को तैयार नहीं थे कि यह शार्क हो सकते हैं, अब वो भी इस पे रिसर्च करने लगे और कई न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में इस मैन ईटिंग शार्क की खबर छपी। लोगों में इतना दहशत था कि उन्होंने बीच पे जाना ही छोड़ दिया। सारे बीच बंद करवा दिए गए, पर इसके बाद भी शार्क के अटैक रुके नहीं। मैटवान क्रीक, जो कि स्प्रिंग लेक से 11 मील दूर था, वहां पे 3 बच्चे एक नदी में नहा रहे थे। तभी उन्होंने खुद से कुछ दूर लकड़ी के एक टुकड़े देखे और वो उसकी तरफ जाने लगे। कुछ ही देर में उनको दिखा कि वो लकड़ी का टुकड़ा नहीं बल्कि कुछ है जो उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। सभी बहुत घबरा गए और पानी से निकलने के लिए भागने लगे, लेकिन इस हड़बड़ी में 11 साल का लेस्टर स्टिलवेल भाग नहीं सका और शार्क ने उसे पानी के नीचे खींच लिया। बाकी बच्चे दौड़कर अपने दोस्त के लिए मदद लाने गए। वहां पर भी लोग नहीं मान रहे थे शार्क ने किसी पे हमला किया था, और साथ ही लेस्टर को एक बीमारी भी थी जिससे वह कभी भी बेहोश हो जाया करता था, जिससे सबने सोचा कि उसके साथ यही हुआ होगा। बहुत से लोग बिना डरे पानी में कूद पड़े क्योंकि उन्हें यकीन था कि वहां कोई शार्क नहीं था। और कुछ देर बाद 24 साल के वेस्टर्न फिशर लेस्टर की लाश लेकर पानी से बाहर निकले, लेकिन शार्क एक बार फिर से आया और इस बार उसने सबके सामने वाटसन पे हमला कर दिया और हॉस्पिटल में वाटसन की मौत हो गई। 12 दिनों में जर्सी के इस शार्क ने 4 लोगों की जान ली थी, और इस हादसे के आधे घंटे बाद ही उसने फिर एक लड़के पे हमला किया, पर किस्मत से वह उस हमले से बच गया। फ्रेश वाटर में भी शार्क के हमले से लोग बहुत ज्यादा डर गए। इन 2 हफ्तों में शार्क हार्मलेस फिश से मैन ईटर बीस्ट बन गए थे, और इन घटनाओं के बाद चालू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल हंट। जर्सी मैन ईटर को मारने के लिए भारी इनाम रखा गया। कुछ ही दिनों में बहुत से शिकारी हथियारों के साथ शार्क को मारने आए। जहां जहां शार्क के हमले हुए वहां इनकी भीड़ लग गई। कुछ लोग शार्प हथियार लेकर आए तो कुछ बंदूक और कुछ तो बड़े बड़े बम ही ले आए थे। और आखिरकार माइकल स्क्लेसर नाम के एक अमेरिकन आदमी ने जर्सी मैन ईटर को मार दिया। वो एक ग्रेट वाइट शार्क था। माइकल ने बताया कि शार्क ने उन्हें लगभग मार ही दिया जब उसने उनके बोट को डुबाने की कोशिश की, लेकिन माइकल ने बार बार शार्क के माथे पे हमला करके उसकी जान ले ली। जब शार्क के पेट को फाड़ कर देखा गया तो उसमें 7 kg के लगभग इंसानी मांस पाया गया। इसके बाद से शार्क के अटैक्स रुक गए, लेकिन अमेरिका के लोगों के लिए अब स्विमिंग पहले जैसा नहीं रहा। वो पूरी तरह से बदल गए थे। लेकिन इन सब घटनाओं के बावजूद भी शार्क को जितना खतरनाक माना जाता है वो इसके हकदार है नहीं। शार्क के 500 स्पीसीज में से सिर्फ 3 ही ऐसे हैं जिन्होंने 10 से ज्यादा इंसानों की जान ली है। बुल शार्क, टाइगर शार्क और द ग्रेट वाइट शार्क। कुछ तो ऐसे भी मानते हैं कि ये भी सही नहीं है, पर अगर ये सच भी हुआ तो 99% से ज्यादा शार्क ह्यूमन के लिए हार्मलेस है। और अगर हम शार्क के हमलों को और बड़े स्तर पर देखें तो यह भी उतना नहीं है, क्योंकि हर साल शार्क के हमले से केवल 4 इंसान ही मारे जाते हैं, जो कि किसी और एनिमल्स के मुकाबले काफी कम है। हाँ, शार्क डेंजरस होते हैं पर उतने नहीं जितना हमें लगता है, और शार्क के अटैक्स की गिनती बढ़ रही है क्योंकि अब पहले के मुकाबले ज्यादा लोग बीच वगैरह पे जाते हैं। असल में तो शार्क को इंसानों से ज्यादा डरना चाहिए, क्योंकि हर साल इंसान 100 मिलियन 10 करोड़ शार्क को मारते हैं। इसके मुकाबले शार्क के हमले तो गिनने लायक भी नहीं है। लेकिन अगर शार्क इतने डेंजरस नहीं होते हैं तो फिर ऐसा क्या था कि न्यू जर्सी में एक शार्क ने 12 दिनों के अंदर ही 4 लोगों को मार दिया?
ये बात तो किसी को नहीं पता कि उस समय ऐसा क्या हुआ था कि शार्क ने ऐसा कुछ किया, ये आज भी साइंटिस्ट के बीच एक मिस्ट्री ही बनी हुई है। हिस्ट्री में ऐसे बस 3 ही शार्क हुए हैं जिन्होंने एक से ज्यादा लोगों पे हमला किया था। दरअसल शार्क के लिए एक इंसान का शिकार करना वर्थ इट नहीं होगा, इंसान उनके पेट नहीं भर सकते। ऊपर से जब एक वाइल्ड शार्क किसी प्रे पर हमला करता है तो उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है और वो अपने प्रे पर एक बार में ही बहुत पावरफुल अटैक करते हैं, पर इंसानों पर हमला करते वक्त ज्यादातर वो ऐसा नहीं करते हैं। इसलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि शार्क इंसानों को सिर्फ एक्सप्लोर करते हैं, वो देखते हैं कि पानी में आया यह नया जीव आखिर कौन है। पर शार्क्स के छोटे हमले से भी इंसानों का बचना मुश्किल है, इसलिए कभी कभी यह इंसानों की मौत की वजह बन सकती है। शार्क एक ऐसा क्रिएचर जिससे लोग बहुत ज्यादा खौफ खाते हैं, पर असल में वो इसके हकदार है भी नहीं। आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। आपने शार्क्स पर बनी जितनी भी मूवीज देखी होगी उनके बेसिस पे आपको भी यही लगता होगा कि शार्क बहुत खतरनाक है, पर मैं आपको यह बता दूं कि एक हिप्पोपोटामस दुनिया का सबसे खतरनाक मैमल है, क्योंकि हर साल वो सबसे ज्यादा लोगों को मारता है। उसके कंपैरिजन में एक शार्क बहुत कम इंसानों की जान लेता है, पर हमें लगता है कि शार्क ज्यादा खतरनाक है। गाइस आपको क्या लगता है कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू सो मच गाइज़।